Now we will see strategies for implementing a performance-based assessment. Performance-based assessment is also a type of alternative assessment. So first, what can we do for measuring a performance? We have to create an assessment committee. हमें सबसे पहले assess करने के लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बच्चे की overall performance को देखें, तो हमें एक committee बनानी है जिसमें एक 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 या से ज्यादा उस्ताद होंगे या कुछ साथी तलबा हो सकते हैं डिवेलप असैसमेंट फिलासफी हमें अससमेंट करने की स्पेस पे है हमारी फिलासफी क्या है हमारे स्टूडेंट किस तरह से परफॉर्म करें जिसको हम वैल्यू देंगे सो so, हमें पहले से अपनी फिलासफी सोचनी है डेवेलप स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन वेयर एवर असैसमेंट वी हैव टू स्टैंडर्डाइज आवर नॉर्म्स एंड बेंच मार्क देखिए ऐसा नहीं है कि हम किसी को किसी और बेस पे असेस कर रहे हैं और किसी दूसरे को किसी और बेस पे असेस कर रहे हैं एक ही हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए और एक ही तरह के मैारा या बेंच हमने पहले से बना रखे हों कि इनके अगेंस्ट हमने बच्चों को चेक करना है सो वन शुड द इंफॉर्मेशन बी कलेक्टेड तो कुछ सवाल का जवाब हमने पहले से सोचना है इंफॉर्मेशन हमें लेना कब है हाउ ऑफन शुड द इंफॉर्मेशन बी कलेक्टेड कितना पीरियड होना चाहिए वीकली हमें परफॉर्मेंस देखनी है मंथली परफॉर्मेंस देखनी है या हम किसी खास इवेंट पे ही परफॉर्मेंस देखेंगे वो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड और हमें देखना क्या है क्या हम एकेडमिक अचीवमेंट देखने जा रहे हैं हम स्किल्स देखने जा रहे हैं या हम बच्चे का डिसिप्लिन या बिहेवियर देखने जा रहे हैं कि वो दूसरों के साथ किस तरह से पेश आता है कैसे डील करता है हु कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इसको किसने रिकॉर्ड करना है क्या ये आप उस्ताद कर रहा है या कोई टीचर असिस्टेंट कर रहा है या किसी मॉनिटर का काम है जो बाहर से आके कोई एक्सटर्नल मेंबर है जो बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस करने जा रहा है फॉर्मेट विल बी यूज फॉर रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन अब जब हमने बात की थी कि वेयर देयर इज असैमेंट देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स टू मैर तो अब कोई ऐसी असेसमेंट नहीं है जो किसी टूल या किसी तरीके के बग़ैर की जाए ठीक है तो हमने देखना ये है कि हम परफॉर्मेंस को किसी रूब्रेक पे मैयर करने जा रहे हैं किसी क्वेश्चनर पे किसी एकेडमिक टेस्ट पे पेपर पेंसिल टेस्ट पे यानी कब कहाँ और कैसे हमने उसको मैय करना है इसकी पूरी तफसल हमारे पास पहले से मौजूद होनी चाहिए दैन वी हैव टू डिप अ प्लान फॉर यूजिंग दसमेंट इन्फॉर्मेशन अच्छा ये जो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करने जा रहे हैं और जो असेसमेंट करने जा रहे हैं इसका हमें फ़ायदा क्या होगा या दूसरे लफ्जों में इसका मकसद क्या होगा तो हम बहुत तरह से असेसमेंट को इस्तेमाल करते हैं पहला तो इस्तेमाल है करीक्रम प्लानिंग का देखिए हमने ये कहा था कि जब हम पोर्टफोलियो बना रहे होंगे या अचीवमेंट टेस्ट अपने बच्चों के चेक कर रहे होंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे करिकुलम में कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई ऐसी चीज़ें जो हम उनको सिखाना चाहते थे क्या ऐसा तो नहीं कि वो नहीं सीख पाए तो अगर तो हम उस असेसमेंट को प्लान करिकुलम इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर बड़ी अच्छी बात है हमारे पास बहुत से इसके एविडेंस हो सकते हैं देन माइअरिंग पीपल प्रोग्रेस अब करिकुलम तो ओवरऑल एक एक्टिविटी है जो हम बच्चों के साथ कर रहे होते हैं हमें इंडिविजुअल प्रोग्रेस भी देखनी है तो हर किसी एक बच्चे की परफॉर्मेंस को हम देखते चले जाएंगे मायरिंग करिकुलम इफेक्टिवनेस वो करिकुलम जो हमने बनाया तो ठीक है लेकिन क्या वो इफेक्टिव भी है या नहीं इफेक्टिव कोई करिकुलम तब होता है जब वो अपने लर्निंग आउटकम्स को मीट कर पाता है जो चीज हम चाहते हैं अपने बच्चों में पैदा करने आने वाले मॉड्यूल्स में हम बताएंगे ऐसी बहुत सी आपको बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स खूबियाँ जो हम अपने करिकुलम के थ्रू बच्चों में पैदा करना चाहते हैं तो क्या वो सब पूरी हो गई हैं कि नहीं रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स हमारे बच्चों की तालीम के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स उनके वालदान होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छे से अच्छा सीखे और दूसरों से आगे निकले और उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आना चाहिए वो कई दफ़ा आपने देखा होगा स्कूल में दाखिल कराने के बाद वो कहते हैं जी साल हो गया अभी बच्चों ने ये भी नहीं सीखा वो भी नहीं सीखा सो so, हमें उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक भी बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं वो बच्चों में पैदा करने हैं और सोशल एबिलिटीज़ भी पैदा करनी है ताकि उनको लगे कि उनके बच्चे के अंदर कोई चेंज आया है तो हम ये इंफॉर्मेशन अगर इकट्ठी कर रहे हैं पेरेंट्स को देने के लिए तब भी हमें उसके डिफरेंट आउटकम या यूँ समझें कि बेंच मार्क्स रखने पड़ेंगे कि भाई ऐसा कौन सा मैार है जो हमारे बच्चे पूरा करें तो हम उनके पेरेंट्स को रिपोर्ट कर सकें सो so, तीन बेसिक हमारे जो है वो मकासद हैं क्या हम उसकी मद, म, अ, मदद से करिकुलम मुकम्मल करना चाहते हैं क्या हम बच्चे की इंडिविजुअल प्रोग्रेस को वॉच करना चाहते हैं क्या हम पेरेंट्स को इसके नतज देना चाहते हैं या फिर एक और भी हो सकता है कि आप एक बिगर डेटाबेस जैसे पूरे मुल्क में अगर आप बच्चों की प्रोग्रेस को कलेक्टिवली देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो इस वक्त ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर हमारे बच्चे किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं तो वो डेटा बेस भी हम इस मदद से तैयार कर सकते हैं तो असेसमेंट के बहुत से पहलू हैं और बहुत से मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है